कौन सी ड्राइंग लेना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी शीट होनी चाहिए। हमने शीट यहाँ से सिलेक्ट कर ली और सिलेक्ट पार्ट का नाम आ रहा है और कहाँ से वर ये, और ओके। यहाँ पे आ गए तो आप इसको डाल सकते हो, फर्स्ट इशू, ड्रॉन बाई, जैकेट बाई, अप्रूव्ड बाई, तो कोई भी एक मैं इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और क्लोज, तो क्या होगा जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ड्रॉन बाई उमेश, है ना। ऐसे इशू फर्स्ट इशू का वो आता है, डेट डाल सकते हो, जैकेट बाई, अप्रूव्ड बाई, वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। और बाद में भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो एडिट करके, ओके। इसके बाद ये एक विजार्ड सा खुल जाता है, ठीक है। तो इससे तो आप रहने दीजिए, आप यहाँ से लेना सीधे ये व्यू क्रिएशन विजार्ड, ये भी वही है। व्यू क्रिएशन विजार्ड क्या करेगा, आपके लिए व्यू बना देगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वो सारे व्यू क्रिएट करने के लिए ही इस विजार्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गए, पार्ट कौन सा है, पार्ट को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पर एक और भी खुला हुआ है, मोल्ड और एक पार्ट, दो फाइल खुली हुई हैं। तो आपको कौन सी वाली चाहिए, कौन से वाले का बनाना चाहते हो आप, मैंने कहा कि चलो हम इस वाले का बनाते हैं। तो ये वाला देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस वाले में क्लिक करेंगे तो ठीक है, ये शायद फाइलें हाइड हुई हुई हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मैं चलो अभी इसी को ही रखता हूँ और नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यू बाउंड्री, जो बाउंड्रीज हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं, और जो हिडन लाइन हैं वो इनविजिबल हैं अभी, ठीक है। आप विजिबल करना चाहते हो उनको, तो कौन सी डॉटेड लाइन लेना चाहते हो, डैश लाइन लेना चाहते हो, वो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। प्रस्पेक्टिव व्यू, जो आपका व्यू स्टाइल आ रहा है, शेडिंग आ रहा है, अगर मैं इसे वायर फ्रेम कर देता हूँ तो ये वायर फ्रेम में आ जाएंगे सारे, ठीक है। वायर फ्रेम में आ सकता है और ये भी है वायर फ्रेम, इस वायर फ्रेम से भी ले सकते हो, इससे नीचे वाली लाइन्स भी आपको दिखाई देंगी प्रॉपरली, पूरा कंप्लीट इससे आता है। और शेडिंग से तो आपकी शेडिंग है ही, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ हिडन वाला, सपोज मैंने लिया और फिर से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा ओरिएंटेशन है, जो पेरेंट व्यू है, सबसे पहला व्यू है, वो आप कौन सा रखना चाहते हो, ठीक है। ये अभी बॉटम है, इसको लेफ्ट कर देता हूँ, तो इसके हिसाब से फिर सारे के सारे चेंज होते जा रहे हैं। तो आप देख लेना आप कैसे रखना चाहते हो, टॉप हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये साइड, इसके हिसाब से ये बैक है, लेकिन हमारे हिसाब से ये टॉप है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से व्यू चाहिए, आप इसमें से कोई व्यू कम भी कर सकते हो, माना मुझे ये वाला व्यू नहीं चाहिए, हटा दीजिए, वो गायब हो गया देखो यहाँ से, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, इसमें से भी कोई कम करना चाहते हो कम कर सकते हो, इसे हम कम ही कर देते हैं, ये भी मैंने हटा दिया, तो ये चार व्यू मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। पांचवा चाहिए, ऐड कर दो, अपने आप ही ऐड हो जाएगा और फिनिश। इसका फ़ायदा ये है कि जो आपने पार्ट बनाया है, असेंबली बनाई है, उसकी आपको क्रिएट करनी है ड्राइंग, उसकी ड्राफ्टिंग जनरेट करनी है, तब उस केस में इसे यूज़ करते हैं। माना इस वाले पे गए हम और ये डॉटेड में आ रहा है, हिडन आ रहा है, इसमें हिडन ठीक है, इसमें हिडन ठीक है, चलो हिडन इनमें सही है, लेकिन ये जो वाला व्यू आ रहा है पर्सपेक्टिव वाला, ये वाला मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो इसे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से शेडिंग में जाना और इसको वायर फ्रेम की जगह मैं फुल्ली शेडिंग भी कर सकता हूँ अप्लाई, तो ये पूरा शेडिंग आ जाएगा और इसके अंदर भी हिडन लाइन्स आ रही हैं, तो हिडन लाइन्स ये हैं, हिडन लाइन्स मुझे नहीं चाहिए, इनविजिबल, इस वाले व्यू की बात हो रही है अब सिर्फ, है ना। और अप्लाई और ओके, तो इस वाले में शेडिंग व्यू आ गया और हिडन लाइन्स नहीं आ रही हैं, बाकी सब में हिडन लाइन्स आ रही हैं। तो ये तो था तरीका डायरेक्ट बनाने का। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और एक न्यू शीट ले लेते हैं, न्यू शीट A3, ठीक है, और ओके, एक नई शीट आ गई। फिर से वही डेट वगैरह आपको डालनी है तो आप यहाँ से डाल दीजिए और बस डेट में ये रखना चाहता हूँ क्लोज, तो इस बार सिर्फ डेट ही आ रही होगी,
अब यहाँ से बेस व्यू लेते हैं, तो बेस व्यू ये कुछ इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, यहाँ पे स्केल आ रहा है, आप इस स्केल को चेंज कर दो, कितना चाहिए 1:2, छोटा हो जाएगा, और क्लिक करते हैं, तो अभी क्या है यहाँ पे कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा, क्लिक, एक मिनट इसे क्लोज करते हैं, और जो हमारा पार्ट वाला था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा दिख तो रहा है, फिर ये आके मेरा, ठीक है, आ तो रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा, ये वाला ही पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का बोला, ठीक है, यहाँ से ऊपर का था वो, लेकिन फ़िलहाल में इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, और बेस व्यू में जाता हूँ मैं यहाँ से, तो बेस व्यू में आप जब जाएंगे तो बेस व्यू में ये क्या करेगा, जो फाइल हमने सेलेक्ट करी है पहले, ये उसी को ही लेता है बेस व्यू में, जो हमने जब नई फाइल स्टार्ट करी थी तो उसको ही ये लेता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इससे, तो ये जो हमारा था, अब इसमें देखोगे ना आपकी ड्राइंग की फाइल एक आ गई होगी, अभी सेव नहीं हुई, ये वाली जो ड्राइंग की फाइल थी इसके अंदर एक शीट वन थी और एक शीट टू, एक शीट वन ये है, डबल क्लिक करूँगी तो शीट वन ये वाली है, ठीक है, तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ अभी, ये मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, और पार्ट वन जो है उसे भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और सिर्फ मोल्ड थ्री नाम का जो मेरे पास फाइल है इसके लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब जब नई फाइल लिया तो यहाँ पे मोल्ड थ्री लिखा, तो पार्ट कौन सा है, कौन से पार्ट को क्रिएट करना है, ये उसके लिए आ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट इश्यू वगैरह ये सब वही है, ये सब शो कर रहा है, मैं इसको इधर से अपनी बार नहीं बनाऊँगा, मैं इसे करता हूँ कैंसिल, विजार्ड से नहीं बनाना, मेरे को बेस व्यू से बनाना है, तो मैं बेस व्यू में जाता हूँ, और जब बेस व्यू में जाएंगे ना तो आपको बेस व्यू दिखाई देगा कि बेस व्यू कितना है, इतना बड़ी ड्राइंग है हमारी, वो 1:1 के स्केल में, इसका एक्चुअल स्केल इतना है, इतना बड़ा ही दिखाई दे रहा है, मैं इसको 1:2 कर देता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हो, 1:1 रखना है, 1:2 रखना है, 2:1 रखना है, और बड़ा हो सकता है, तो यहाँ से हमने रखा 1:2 का रेशियो, और ये मेरे पास होगी एक, और इसके नीचे ही डायरेक्टली जब जाएंगे आप तो इसका दूसरा प्रोजेक्शन व्यू साथ में ही आपको मिल जाएगा। अब अगर इधर जाऊंगा तो इसका व्यू आ रहा है, लेकिन मुझे इसका नहीं चाहिए था, मुझे तो इसका चाहिए था, ठीक है, तो अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, अब आप इसे क्लोज करिए। अब मुझे इस वाले व्यू को सिलेक्ट करना है, क्योंकि टॉप है ये, फ्रंट है, इस फ्रंट का मुझे चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस के बाद मेरे पास यहाँ पर आता है प्रोजेक्टेड व्यू, प्रोजेक्टेड व्यू में क्या करेगा, जिसको सिलेक्ट कर रखा है उसका व्यू आपको दिखाई देगा, बीच वाला सिलेक्ट किया था तो उसी के ही व्यू ये जनरेट हो रहे हैं, और इसी को ही लेके जाऊंगा तो इसी का ही आइसोमेट्रिक मुझे यहाँ दिखाई देगा, और क्लोज, ओके। फिर यहाँ से आते हैं, ये है यहाँ पे डिटेल व्यू, डिटेल व्यू क्या करेगा, किसी पोर्शन का आपको अगर डिटेलिंग निकालना है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपकी डायमेंशन प्रॉपरली शो नहीं हो रही, वहाँ से मैं इसे ले सकता हूँ डिटेल व्यू, और यहाँ पे क्लिक किया, ये पोर्शन है, ये 1:2 के स्केल में था, और अब इसको डिटेल में मैंने लिया 1:1, मतलब पहले से ये बड़ा हो गया है, ठीक है, तो डिटेल लिखा है बी बी, और ये है हमारा 1:1 के स्केल में। फिर आता है ऑक्सिलरी व्यू, ऑक्सिलरी ये व्यू ब्रेक, व्यू ब्रेक जो है ये क्या करता है, व्यू की जो बाउंड्रीज है उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे, इसमें वैसे प्रॉपरली नहीं है, मतलब इन व्यू के अंदर अप्लाई करना ये ठीक नहीं है, ये जहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बाकी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, एंकर पॉइंट ये हो गया, सेकेंड एंकर पॉइंट ये हो गया, और अब बीच का ऑफसेट और अप्लाई, तो अब देखो क्या होगा, ये दोनों जगह कट के आपस में पास आ गई हैं,
लेकिन इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई यूनिफॉर्म सेक्शन होता है, मतलब जैसे शाफ्ट है तो शाफ्ट तो पूरी की पूरी गोली होगी और अंदर से क्रॉस सेक्शन सेम होगा, लेकिन बहुत लंबी होती है तो वो पूरी आपकी शीट पर नहीं आ पा रही है, तो आप उस टाइम इसको व्यू ब्रेक करके पास में ला कर दिखा सकते हैं और लेंथ लग सकते हैं, जो भी लेंथ है वो पूरी लिखेंगे और इसे पास पास दिखा देंगे, ये उस केस में यूज़ होता है। ठीक है, इस वाली में नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है बीच में से, इसलिए। फिर ये है सेक्शन लाइन, इससे तो आप सिर्फ सेक्शन की लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो और इससे सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से लेता हूँ सेक्शन लाइन और इस वाले व्यू को मैंने क्लिक किया और ये है जो इसके लिए एक सेक्शन लाइन बना दी, फिनिश। ये सेक्शन लाइन की लाइन हो गई, सिंपल स्टेप, और क्लिक डायरेक्शन भी क्लिक रिवर्स कर सकते हो आप और ठीक है, ये सेक्शन बना दिया। इसके बाद आपको लेना सेक्शन व्यू। अब सेक्शन व्यू के लिए या तो आप जाके क्लिक कर दो, मुझे यहाँ पे चाहिए, क्लिक ये पॉइंट पे क्लिक किया, अब जब आप इसका व्यू लोगे ना तो वो व्यू आपका सेक्शन वाला ही आएगा, क्लिक। सेक्शन व्यू इसका नहीं लेना चाहते, इसका लेना चाहते हैं तो इस पे गया मैं और क्लिक किया और इसे हम इधर की तरफ घुमा लेते हैं क्योंकि व्यू इधर चाहिए, तो वो अपने आप ही परपेंडिकुलर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में से वहाँ से काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये है हमारा सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू आ जाएगा। और सेक्शन व्यू के बाद है ये ब्रेकआउट सेक्शन व्यू। ब्रेकआउट सेक्शन व्यू के लिए क्रिएट करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम गए और मैंने क्लिक किया इस वाले व्यू को और पॉइंट ये, और इसके बाद कर्व, दोबारा से लेते हैं क्लिक, पॉइंट है ये और कर्व है ये, ठीक है। कुछ इसमें छूट रहा है ना शायद, इसलिए ले नहीं रहा। ठीक है, इसको भी मैं बाद में बता दूंगा। ये क्या करेगा, इस बीच वाले पोर्शन को कट करके दिखा देगा सेक्शन में, कि यहाँ से देखेंगे तो इतना पोर्शन काटेंगे तो नीचे क्या शेप बनी हुई है, वो कटिंग आपको दिखाई दे जाती है। अपडेट व्यू, अपडेट व्यू करते हैं, तो जो भी व्यू आपने बनाया है और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं तो अपडेट करने पे आपको दिखाई देते हैं वो, माना इसमें कुछ हुआ है और शो नहीं हो पा रहा तो अपडेट कर देंगे, तो जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो आपको अपडेट होके दिखाई दे जाएंगे, अगर दिख नहीं रहे हैं तो। माना क्या, जैसे मैं इस वाले पे जाता हूँ और इस पे जाकर डबल क्लिक किया और इसके अंदर मैंने हिडन लाइंस को विजिबल कर दिया और ओके, ठीक है, विजिबल लाइन अभी आ रही है, अगर नहीं दिखाई दे रही थी तो अपडेट करता तो मैं ज़रूर दिखाई देगी। अच्छा, अब इसके अंदर से मैं ये मैंने हटा दिया और अब इसकी हम क्या करना चाहते हैं, डायमेंशन करना चाहते हैं, तो ये है यहाँ पे वही रैपिड जैसे हमने पहले किया था, सेम वही तरीके से आपको डायमेंशन यहाँ पे करनी है। यहाँ से पिक करिए आप कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये है और यहाँ से ऊपर वाली लाइन, ये डायमीटर सेलेक्ट करा हुआ, इंफ्रारेड ले लेंगे और रीसेट करता हूँ दोबारा से इंफ्रारेड में, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये 120 की डायमेंशन। फिर क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसे क्लिक करिए, डायमेंशन आपकी आती जाएगी। ठीक है, जैसे हम पहले सेलेक्ट करते थे सेम वही तरीका है सिलेक्शन करने का, जैसे स्केचर में यूज़ किया होगा। यहाँ से एंगल, ठीक है, एंगल शो कर सकते हैं, तो डायमेंशन से आप इसकी डायमेंशन पूरी शो कर पाएंगे। ठीक है, ये सब वही हैं जो हमने पहले यूज़ किए हैं। रेडियस चाहिए, रेडियस ले लिया, 5 का रेडियस आ रहा है। इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन को मेंशन कर सकते हैं।
ये सब डायमेंशनिंग का है। नोट नोट दे सकते हैं, यहाँ से गए और यहाँ से क्लिक करने से पहले जैसे ऑल डायमेंशन mm लिखा हुआ है, ऐसे ही आप यहाँ से और कहाँ पे रखना चाहते हो इसी साथ ही रख देता हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे रख लो या कहीं और रख लो जहाँ पे भी आपको लगता है ठीक है। कोई मैसेज है, कोई नोट है वो आप लिखना चाहते हो, इसके अंदर लिखना है, टेबल के अंदर लिखना है, कहीं पे भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद ये है, ये सिंबल है, कोई भी सिंबल आपको लगाना है तो अगर ये डाटम टारगेट का आइकन, डाटम टारगेट जो भी आपको वैल्यू लिखनी है। फिर ये है बुलियन, ये बुलियन जो है असेंबली पे काम करेगा, वैसे तो सिंपल है, तो इसमें आप कोई नंबर भी डाल सकते हो, पार्ट का नंबरिंग डालने के लिए बैलून हम लोग यूज़ करते हैं, बैलून है ये सॉरी, बैलून नंबर डालने के लिए यूज़ करते हैं। वेल्डिंग का सिंबल, कहीं पे वेल्डिंग का सिंबल अगर आपको शो करना है तो वेल्डिंग का सिंबल भी ले सकते हैं। यहाँ से लिया और मैंने यहाँ पे किस टाइप की वेल्ड चाहिए, यहाँ से डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग दी हुई है, इसका सिंबल दिया हुआ है ठीक है, वेल्ड की लाइन दे रखी है, और यहाँ से टाइप किस टाइप का चाहिए आपको ठीक है वो ले सकते हैं, और यहाँ से भी ठीक है कहाँ पर चाहिए तो एरो भी आ जाएगा, एरो को बाद में पकड़ जाएगा अगर आप पढ़ते हैं तो। छोड़ नहीं रहा, इसे डिलीट कर दो और दोबारा से ले लेते हैं वेल्ड, ये वेल्ड का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इमेज, कोई इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये लोगो, कंपनी का लोगो होता है वो जनरली टाइटल बॉक्स में कहीं पे अगर लगाना है रखना है तो उस केस में हम इसे ऐड कर सकते हैं जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं ठीक है। आ गया हमारा, ये है हमारा डाटम पॉइंट सिंबल, टारगेट पॉइंट सिंबल, तो ये है टारगेट पॉइंट के लिए, डॉट लगा सकते हैं, इस टाइप का निशान बना हुआ आ जाएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए आप जहाँ पे भी आपकी प्लेट है और आप बात चाहते हो कि उसका इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे, तो देखो ये आगे बढ़ के इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे जाएगा। डायमेंशन लेने के लिए कहीं पे चाहिए आपको उस केस में, ये सरफेस फिनिशिंग का सिंबल। अब सरफेस फिनिशिंग के सिंबल में फिनिश करना है, सेमी फिनिश करना है, कितना मटेरियल रिमूव करना है, उसके लिए आप आइकन को यूज़ कर सकते हो, या मटेरियल नहीं लगाना है, नहीं हटाना है, तो ये सारे दिया हुआ है। मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड है, मटेरियल रिमूवल प्रोहिबिटेड, मटेरियल मॉडिफाई ऑल राउंड, मटेरियल रिमूव रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, उसकी फिर वैल्यूज़ हैं, आप वैल्यूज़ ले लो ठीक है, ये सब वैल्यूज़ डाल सकते हो और ये सब आपको मिलेगा मशीन ड्राइंग के अंदर। मशीन ड्राइंग के अंदर वहाँ पे हर सिंबल का मतलब दे रखा है और इन कोड का मतलब भी दे रखा है ठीक है। तो मशीन ड्राइंग अगर आप फॉलो रेफर करोगे तो वहाँ से आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। सेंटर मार्क आता है, सेंटर मार्क सर्किल का होता है, अगर सर्किल का सेंटर मार्क नहीं आ रहा है, अभी तो फिलहाल के केस में आ रहा है, मैं अगर इसे डिलीट कर देता हूँ, ये वाला डिलीट कर दिया, ये लाइन है इसको भी डिलीट कर हमारा, चलिए ये अभी हट नहीं रहा है, मैं बात बताता हूँ, ये लेते हैं यहाँ से सेंटर मार्क, और सेंटर मार्क के लिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर सेंटर मार्क बनवा जाएगा, इसको भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, कितना सेंटर मार्क रखना है, सेंटर मार्क आ जाएगा ठीक है। जैसे ये वाला है, इसका सेंटर मार्क मुझे शो करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाएंगे और क्लिक, सेंटर मार्क ये बना हुआ यहाँ पे भी आ गया, तो सेंटर मार्क जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे आप मार्क लगा सकते हो। फिर है यहाँ पे ये हैचिंग, क्रॉस हैच, क्रॉस हैच क्या करें, जिस भी एरिया पे आप क्लिक करोगे ये उस रीजन को डिटेक्ट कर लेगा, देखो ये वाला पूरा एक क्लोज रीजन है और यहाँ पे एक ओके
हैचिंग आ जाएगी जो कि सेक्शन में होती है। आप इसे डबल क्लिक करोगे हैचिंग को और यहाँ से आप ले सकते हो किस टाइप की हैचिंग आपको चाहिए। यहाँ पे हैचिंग के भी कई सारे टाइप दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हैचिंग के बाद फिर मेरे पास यहाँ पे आता है फिल कलर, कौन से एरिया में कलर फिल करना है आप यहाँ पे क्लिक करो और कलर वगैरह और ओके करना है सिर्फ, और पैटर्न कौन सा पैटर्न रखना चाहते हैं वो पैटर्न भी फिल कर सकते हो, ठीक है। और एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये आ रहा है हमारा, और हमने कहा नहीं ऐसा नहीं चाहिए, हमें सॉलिड फिल चाहिए, तो सॉलिड फिल के अंदर ये कलर आ गया, इस वाले पोर्शन पे अब कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे आप तो कलर भी काफ़ी सारे हैं, जो भी आपको लगता है कलर आप उसको सिलेक्ट कर लेना आप फिर प्रीव्यू और ओके। ठीक है, ये कलर आ जाएगा जो है हमारा। इसके बाद कलर के बाद अगर यहाँ पे भी आप इसके बाद भी आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो जो कि ठीक नहीं है, माना आपने बनाया था लेकिन वो कुछ रह गई हैं चीज़ें, तो आप यहाँ पे भी आके कुछ बना सकते हो, ठीक है। ये फिनिश, तो ये है तो ये गलत तरीका, लेकिन कई बारी कोई लाइन मिसिंग हो रही है तो आप उसको एडिट यहाँ पे कर सकते हैं। स्केच पर वो बना हुआ स्केच के अंदर ही आएगा, देखो स्केच के अंदर ही आ रहा है वो, ठीक है। तो ये एक गड़बड़ तरीका है। फिर टेबल आते हैं, बैलून आता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असेंबली में काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये असेंबली है, अब इसके ऊपर अगर हम ड्राफ्टिंग के लिए जो ऑप्शन थे वो यूज़ करना चाहते हैं तो ये आ गया मेरे पास, और एप्लीकेशन से भी आप जा सकते हो एप्लीकेशन, और यहाँ से आपको लेना है ड्राफ्टिंग ये रहा, तो डायरेक्टली यहाँ से ड्राफ्टिंग में पहुँच जाएंगे और ओके। ये सेम वही है, ये व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं इसे माना मैं इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहता, सीधे फिनिश कर देता हूँ, तो ये सब कुछ जैसा दिख रहा था वैसा क्या वैसा इसके ऊपर आ जाएगा ओके। अब इसके अंदर हम यूज़ करना चाहते थे ये वाला, पहला लेते हैं हम पार्ट लिस्ट, तो मैंने यहाँ से लिया पार्ट लिस्ट और क्लिक, तो देखिए पार्ट लिस्ट आ गया, कवर कितने हैं, कवर पार्ट आ गया, क्वांटिटी आ गया और इसके नंबर आ गए, लोअर हाउसिंग, लोअर अपर हाउसिंग, मोटर शाफ्ट, सब नाम भी लिखी हुई आ जाएंगे, उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। या फिर मैं इस वाले पे जाता हूँ और इसे करता हूँ ऑटो बैलून, ठीक है। तो हमें ओके, और ये हमें इस वाले के अंदर ओके, तो देखिए बैलून इसके ऊपर बने हुए आ जाएंगे, ये कौन से पार्ट का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट की लिस्ट है, इसके लिए पहले आप पार्ट की लिस्ट जनरेट करना, फिर उसके बाद ये जनरेट होके आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना है आपको, ऑटो वैल्यू जब आप लोगे तो आपको पहले सेलेक्ट करनी है टेबल, ये टेबल थी हमारी और ओके, और उसके बाद आपको कौन से वाले में लिखना चाहते हो, जिसमें भी आप क्लिक करोगे उस वाले व्यू में आपकी सारी नंबरिंग लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ पे शार्प नहीं दिखाई दे रही थी ना, 1 2 3 5 6, तो 4 हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये है टैबुलर नोट, टैबुलर नोट के अंदर आपको टेबल बना के कोई नोट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हमने लिया क्लिक, ये ऐड होगी टेबल, यहाँ से इनक्रीज डिक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, और कुछ भी चेंज करना है इसमें जाके डबल क्लिक करिए और जो भी लिखना चाहते हैं आप इसके अंदर लिख दीजिए, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं जो जरूरत होती है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कई बार, क्वांटिटी लिखनी होती है, मटेरियल लिखना होता है, तो उस केस में हम इन सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये एडिट सेटिंग ये टेक्स्ट की है, माना कोई आपने टेक्स्ट लिख रखा है उसकी कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो उस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये था इसे ही क्लिक किया और ओके, ठीक है। तो इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, साइज़ बड़ा करना है, वो चेंज हम यहाँ से कर पाएंगे, एडिटिंग कर पाएंगे इसकी ओके। और ये जो है हमारा टाइटल बॉक्स है ही यहाँ पे, तो ये था हमारा ड्राफ्टिंग का